जीतेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई नरेश यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। टक्कर में तो बीजेपी के विधायक है ही नहीं, नरेश यादव की टक्कर वो ले ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आप किसी भी चौक पे जाके देख लिए, आज वहाँ पे इट्टे बिखरी हुई है। लेकिन नरेश यादव ने काम किए, सॉलिड तरीके से काम किए हैं, इसलिए जनता को उनके ऊपर विश्वास है और काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। रोज जब निकलते हैं तो एक ही बात सोच के निकलते हैं कि भाई को MLA बना के लाएंगे। देखो जी, टीम नरेश ने काम इतने किए हैं जी, काम किए, मेहनत की है, इसलिए लोग जिता रहे हैं, लोगों का प्यार है, सपोर्ट है। आप सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माही। विधानसभा चुनाव जो है 1 अक्टूबर को होने हैं, और हांसी विधानसभा की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो टिकट के चाहवान जो लोग हैं उनकी जो गिनती है वो बड़ी एक लंबी जो गिनती है, 44 लोग जो हैं वो टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने उम्मीदवार को, अपने अपने कैंडिडेट को मजबूत दिखाने के लिए लगातार जो है वो प्रचार कर रहे हैं, नीतियों का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों का जन जन तक पहुँचाने का जो है वो कार्य कर रहे हैं। ये प्रेमनगर गांव है और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं पूरी की पूरी एक टीम है, और ये वही टीम नरेश है जिसके जो चर्चे हैं वो पूरे हलके से अलावा जो है हरियाणा के अंदर भी पहुँच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारों के साथ एक पूरे महिलाओं की एक टीम यहाँ निकल चुकी है, जो नरेश यादव के और कांग्रेस के समर्थन में जो है घर घर जाकर अपना जो है प्रचार वो कर रही हैं। यहाँ बात करेंगे कि कैसा, किन किन जो नीतियों का जो है प्रचार किया जा रहा है, लेकिन सभी से मिल रहे हैं, डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों से घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। हांसी को काशी बनाएंगे, नरेश यादव को लाएंगे, ये जो नारे हैं ये आज गूंज रहे हैं प्रेमनगर गाँव में। पूरी की पूरी जो टीम नरेश है आप ये देख भी सकते हैं, हमारा संकल्प अब हांसी बनेगा काशी। नरेश यादव की धर्मपत्नी है और जो ढाणा खुर्द की जो सरपंच है कृष्णा यादव, वो भी यहाँ पूरी एक टीम है, छोटा सा बच्चा है ये भी साथ में लगा हुआ है। मैडम जी, गांव जो आपने कर लिए सारे, आप गांव में घूम रहे थे, आज आप आ गए हो प्रेमनगर में, गली गली जा रहे हो, किस वजह से आप कह रहे हो कि नरेश यादव को जिताएंगे, नरेश ही क्यों जीते? जी नमस्कार आपके चैनल को और पूरी टीम नरेश की तरफ से आपके चैनल को नमस्कार। तो देखो जी, टीम नरेश ने काम इतने किए हैं जी, काम किए, मेहनत की है, इसलिए लोग जिता रहे हैं, लोगों का प्यार है, सपोर्ट है। आप कह रहे हो कि कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी भी तो जो दो योजनाओं से लगातार जो है कार्य कर रही है, कह रहे हैं कि हमने बड़े काम कर दिए लोगों के लिए, आप उनमें नहीं विश्वास रखते? देखो जी, ये तो जनता है, जनता कह रही कि भाई बीजेपी ने वो काम नहीं करवाया, अब कांग्रेस पार्टी आ रही है, लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की लहर है, कांग्रेस पार्टी काम करवाएगी। ये उम्मीदें हैं कांग्रेस से? बिल्कुल उम्मीदें हैं, क्योंकि ना चुनाव के समय में बड़े वादे किए जाते हैं, ये तो चुनावी वादे जुमले कहलाते हैं, ये आगे ये चलेंगे, पूरे होंगे आगे? बिल्कुल होंगे जी। किन किन योजनाओं का, जो किन किन नीतियों का जो है वो आप प्रचार कर रहे हैं? देखो जी, जो टीम नरेश ने जो संकल्प ले रखा है हांसी को काशी बनाने का, हांसी को स्वच्छता का, और टीम करेंगी पूरा काम, सहयोग करेगी अपना, पूरा सहयोग करेंगे, और आपका सहयोग जो है एक सरपंच कर रही है। मैडम जी, आप सरपंच हैं पूरे के पूरे, आपने जो इस एक टर्म जो है वो लगभग आप इसमें जो बीजेपी का ही था ये सारा, क्या मानते हैं बीजेपी ने काम नहीं किया ढंग से? बिल्कुल नहीं किया जी, मेरे डाणा खुर्द के लिए तो बिल्कुल एक ईंट तक लगवाने का काम नहीं किया, पूरी जैसे टीम नरेश के सहयोग ने और थोड़ा बहुत कुछ ग्राम पंचायत से हमने सहयोग से मतलब अपने गांव के कार्य करवाए हैं, और भाई नरेश यादव ने वो काम करवाए हैं हमें बीजेपी की तरफ से, और हमारे स्थानीय विधायक उसकी तरफ से हमारे गाँव को कुछ नहीं मिला है जी, कुछ नहीं मिला है। हाँ जी, तो अब जो नरेश यादव हैं, अब क्योंकि जो MLA की जो टिकट मांगने वाले लोग हैं वो 44 लोग हैं, नरेश यादव पे इतना यकीन क्यों है? हल्के के लोग जो लोग हैं वो भी यकीन कर रहे हैं नरेश यादव पे, उनसे उम्मीदें हैं? बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके पास कोई पद नहीं है, फिर भी उन्होंने इतने काम कर रखे, इतनी समाज सेवा कर रखी है, लोगों को उनके ऊपर विश्वास है, और इसी विश्वास के आधार पर हम टिकट की मांग कर रहे हैं, और हम इतनी ज़्यादा मेहनत कर देंगे जी, फील्ड में टिकट चल कर क्या दौड़ कर आएगी जी। जो आयोजन जो है, जो पदयात्रा थी दीपेंद्र हुड्डा की, उसमें भी एक बड़ा एक जो एक हिस्सा जो था वो महिलाओं का था, आप खुद महिला हैं, क्या मानते हैं बीजेपी ने महंगाई बढ़ा रखी है कि जो चूल्हा जो चलाना है वो काफ़ी मुश्किल हो चुका है?
400 रुपए का सिलेंडर आता था, अब 1200 का हो गया। महिलाएं कहाँ जाए, कैसे खाना बनाए, लकड़ी बीनने तक आज नहीं है महिलाओं के पास। सबसे बड़ी बात आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइन आपने देखी, 32 साल बाद महिलाओं को इंसाफ मिला है, वो भी कोर्ट में सिर्फ 2 पीड़िताएं डटी हुई थी वहाँ पे, और सबको उन्होंने निरस्त कर दिया, उनकी सुनवाई नहीं की गई। महिलाएं इतनी ज़्यादा पीड़ित हैं, कोलकाता वाला कांड आप देख रहे हो, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है, लड़कियां भटक रही हैं, कोई सेफ नहीं है बीजेपी के शासन में। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं जी। कांग्रेस से उम्मीदें, कांग्रेस के राज्य में साफ रहे, सब सेफ रहेंगे जी? बहुत उम्मीदें हैं कांग्रेस से, और हमें पूरा आश्वासन है और हमें विश्वास भी है कि हम कांग्रेस के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। और अगर हम हाँसी हल्के की बात करें तो यहाँ नरेश यादव के ऊपर पूरे का पूरा विश्वास है जी। बड़ी जो बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने भी कह रहे हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया, कैसे उनको टक्कर कैसे दे पा रहे हैं आप? टक्कर में तो बीजेपी के विधायक है ही नहीं, नरेश यादव की टक्कर वो ले ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आप किसी भी चौक पर जाके देख लिए आज वहाँ पर इट्टे बिखरी हुई है, लेकिन नरेश यादव ने काम किए, सॉलिड तरीके से काम किए हैं, इसलिए जनता को उनके ऊपर विश्वास है और काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। देखो जी, नरेश यादव का पेट भरा हुआ, उनको भूख नहीं है, अपनी जेब से भी बहुत काम किए हैं और आगे भी कर सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक सत्ता में नहीं है और जो सत्ताधारी लोग हैं वो उस काम में बाधा बनते हैं, इसलिए हमें उनको बनाना ही बनाना है। इन बाधाओं के बावजूद एक बड़ा एक जो मील का पत्थर कहें कि वो हाँसे में निशांत मलिक द्वारा लगा, हम गाँव गाँव गए, उन्होंने कहा कि 28 गाँव में कार्य चल रहे हैं, इतने तो सरकार के नहीं चल रहे होंगे जितने नरेश यादव के चल रहे हैं। उन्होंने अपनी जेब से 28 के भी 32-33 गांव में उनके धार्मिक कार्य चल रहे हैं, कई धर्मशाला है, स्ट्रीट लाइटें हैं, गली पक्की करवाने का है, नालियों की निकासी का जो पानी है उसका चल रहा है, धर्मशालाएं बन रही है, मंदिर बन रहे हैं, काम बहुत किए हैं। हाँसी को भी उन्होंने एक टारगेट सेट करके रखा है, हाँसी को काशी बनाएंगे, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस विजन को समझा है और इसके लिए तैयार है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद, और हम टिकट के प्रति पूरा आश्वस्त हैं। आप डोर टू डोर चाह रहे हैं, महिलाओं की एक जो पूरी जो टीम है वो लगी हुई है, नरेश यादव का भी प्रचार चल रहा है, कैसा एक जो लोगों का रुझान कैसा मिल पा रहा है? लोगों का रुझान बहुत ही पॉजिटिव है और हम बहुत खुश हैं कि लोग वास्तव में बदलाव चाहते हैं, स्पेशली यूथ। और इस बार आ जाएगा बदलाव? बिल्कुल 100% आ जाएगा जी, क्योंकि यूथ साथ है और महिलाएं साथ है जो परिवर्तन ला सकते हैं जी। तो इस बार जो है परिवर्तन का रास्ता क्लियर हो चुका है, नरेश यादव ने कर दिया है। बिल्कुल जी, युग परिवर्तन हो चुका है, कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस ही सत्ता में आ रही है जी। जी, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, और भी यहाँ और भी कई जुड़े हुए हैं, आप आए थोड़ा सा एक बार आगे आए, नहीं पहले से छोटे बच्चे से पूछते हैं। आजा बेटा, क्या नाम है? अर्णव। अर्णव, आप इनके साथ क्या कर रहे हैं? मैं तो अंकल के साथ हूँ। अंकल कौन है? नरेश अंकल। क्यों, उन्होंने क्या कर दिया? स्कूल मित्र पढ़ाई का टाइम है, तू क्यों इनके पीछे जा रहा है? अंकल हमारी गलियों की निकासी करवा रहे हैं। अच्छा, और भी बहुत अच्छे काम करवा रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए हम अंकल के साथ हैं। अंकल के साथ वोट भी नहीं बना, वो तो वोट वालों के काम है। फिर सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, वोट कर सकते हो। वोट तो बहुत से लोगों का नहीं बना गली में, पर सपोर्ट तो कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, और ये यही सपोर्ट जो है वो नरेश यादव की ताकत बनती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी जुबान पे जो है वो नरेश यादव होता जा रहा है। आप भी पसीने पसीने आप हुए पड़े हैं, गर्मी है और आप गली गली जा रहे हैं, कैसा माहौल कैसा लग रहा है? माहौल बहुत पॉजिटिव है, हर लोग यही चाहते हैं कि भाई नरेश आगे आए और भाई नरेश को जिताने का काम हम करेंगे। टिकट की जो लाइन बड़ी लंबी है, नरेश यादव को मिल जाएगी? टिकट मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर टिकट मिल गई तो ठीक है, और नहीं भी मिलेगी तो हम भाई को निर्दलीय MLA बनाना है, भाई को हमने बस MLA बनाना है, बस यही महिलाओं ने यही ठाना है इस बार MLA बनाना है। हम यही ठान के रोज जब निकलते हैं तो एक ही बात सोच के निकलते हैं कि भाई को MLA बना के लाएंगे, MLA बना के लाएंगे। ये देखिए, तो पूरी की पूरी एक जो टीम है सभी की यही एक जो मांग है कि इन महिलाओं ने ठाना है कि नरेश यादव को MLA बनाना है। आपको क्या लग रहा है कि जो लंबी जो लिस्ट है उस लिस्ट में नरेश यादव जो है बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही, नमस्कार, जय हिंद।